हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अब हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ। इसके पहले हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे, वो टर्म्स होने के बाद हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ ने कई तरह के लॉ एक्सपेरिमेंटल तौर पे एक्सप्लेन करके दिखाया है, जिसमें से पहला लॉ है उसका लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस उसने इस तरह से एक्सप्लेन किया बच्चों कि अगर कोई भी कैरेक्टर हम किसी भी ट्रेड से या किसी भी होमोजाइगस प्लांट से लेते हैं और उसका जब हम क्रॉस करते हैं F1 जनरेशन में मिलने वाला जो प्रोडक्ट है, जिसमें वो कैरेक्टर अगर कोई आता है उभर के बाहर एक्सप्रेस होता है, तो उस कैरेक्टर को, एक्सप्रेस होने वाले कैरेक्टर को उसने डोमिनेंट नाम दिया है, और जो नहीं एक्सप्रेस हो पाता, दब जाता है, उसको उसने रिसेसिव नाम दिया हुआ है। इसका मतलब उसने ये बताया कि जब भी हम किसी दो गैमेट्स को लेके क्रॉस करते हैं अलग अलग कैरेक्टर के साथ, तो जो F1 जनरेशन का रिजल्ट मिलता है, तब जो कैरेक्टर एक्टिवेट होके एक्सप्रेस होता है उसको उसने डोमिनेंट बोला है, और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता, दब जाता है, छुप जाता है, इनएक्टिव नहीं होता, उसको उसने रिसेसिव बोला है। तो यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यही है बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें कैरेक्टर शो होना F1 जनरेशन में। लेकिन उसने ये भी बताया कि ऐसा ही कैरेक्टर अगर जो F1 में नहीं आता, वो फिर F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाता है, तो उसी को उसने नाम दिया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब अगर कोई कैरेक्टर ऐसा है जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो पाता, लेकिन जब हम सक्सेसफुली दो कैरेक्टर लेके क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस करते वक्त एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, दूसरा कैरेक्टर नहीं होता, लेकिन वो अपने आप को सेपरेट कर लेता है, सेग्रेट कर लेता है, इस तरह से कि नेक्स्ट क्रॉसिंग में वो फिर से एक्सप्रेस हो जाता है, तो इसी को नाम दिया उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो बच्चों उसी को नाम दिया है उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका मतलब ये है कि जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, वो F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाता है, क्योंकि हर कैरेक्टर अलग अलग तरीके से अपने आप को सेग्रीगेट कर लेता है, और अलग सेग्रीगेट होने के बाद जब क्रॉसिंग होती है, तो वो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग इंडिविजुअल में। तो यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब थर्ड नंबर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हर कैरेक्टर जो हम क्रॉस करते हैं, वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो करता है किसी न किसी जनरेशन में। हर कैरेक्टर अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो करता है किसी न किसी जनरेशन में। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और उसने एक्सप्रेस किया है, इसको एक्सप्लेन किया है किसी न किसी एग्जांपल के साथ। जैसे उसने एक फ्लावर लिया है, फ्लावर के दो कलर लिए हैं। तो इसी तरह से जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में F1 हाइब्रिड क्रॉस किया जाता है, तो जो भी गैमेट प्रोड्यूस होता है वो सेग्रीगेट करता है कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर शो करेंगे या तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेंगे या फिर रिसेसिव, दोनों नहीं, तो किसी एक कैरेक्टर को वो शो करता है, और इसी को बोला है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, क्योंकि इसमें जो भी कैरेक्टर आएगा वो कोई एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होके आएगा, जिसमें हमें प्योरिटी मिलेंगी उस कैरेक्टर की। तो इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी बोला है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी बोला है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीन तरह के लॉ उसने एक्सप्रेस किए थे मेंडल ने। एक डोमिनेंट कैरेक्टर, जो भी F1 जनरेशन में प्रोड्यूस होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, लेकिन जब भी कोई कैरेक्टर्स हम क्रॉस करते हैं, तो वो अपने आप को आइडेंटिकली सेपरेट कर लेते हैं, और जब कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में प्रोड्यूस होते हैं, तो वो कोई ना कोई एक कैरेक्टर शो करते हैं, या तो डोमिनेंट या फिर रिसेसिव। तो इसी को बोला है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, क्योंकि वो प्योर लाइन कैरेक्टर प्रोड्यूस करते जाते हैं, जिसमें सबको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ही मिल जाता है, तो उसी को बोला है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और उसी तरह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर लिए है दो दो कैरेक्टर के साथ, मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस में का इस्तेमाल किया है। अब डायहाइब्रिड क्रॉस में जब दो अलग अलग कैरेक्टर एक गैमेट्स के साथ लिए जाते हैं, इस एक गैमेट के दो कैरेक्टर, दूसरे गैमेट के दो कैरेक्टर इनका क्रॉस करते हैं, तो जब क्रॉस करने के बाद हर एक कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, और इसी तरह से जो क्रॉस मिलता है वो 9:3:3:1 का, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर अपने आप को शो करने की कोशिश करते हैं, तो उसी को बोला
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीन कैम ने लॉ देके यहाँ पे एक डोमिनेंट, जिसमें जो भी एफ वन जनरेशन में प्रोड्यूस होता है वो डोमिनेंट होता है, दूसरा जो भी कैरेक्टर लिया जाता है वो आइडेंटिकली सेपरेट हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है और नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को प्रूव करता है, या तो डोमिनेंट होगा या फिर रिसेसिव होगा। तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि ज़्यादा कैरेक्टर, अगर हम कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर लेते हैं तो हर कैरेक्टर अपने आप को कभी न कभी शो करता है, इंडिपेंडेंटली प्रूव करता है, और वही हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। अब इसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि किस तरह से मेंडल ने डेविएशन दिया है, कि उसके द्वारा वो अपने थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है। तो बच्चों डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ, डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ, डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ। अगर मेंडल्स लॉ का डेविएशन हम देखते हैं तो मेंडल्स लॉ में उसने सिंगल ट्रैट है तो सिंगल जीन होगा, और अगर सिंगल जीन है तो टू अलेलीज होंगे। अगर टू अलेलीज का क्रॉस होता है, टू अलेलीज का क्रॉस होता है तो जो कैरेक्टर शो होगा वो डोमिनेंट होगा, कोई एक कम्प्लीटली डोमिनेंट होगा। टू अलेलीज को अगर क्रॉस करते तो कोई एक कम्प्लीटली डोमिनेंट होगा, और अगर फैक्टर्स डिफरेंट ट्रैट शो कर रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंटली कैरेक्टर शो करेंगे, वो इंडिपेंडेंटली कैरेक्टर शो करेंगे। मतलब सिंगल ट्रैट है, सिंगल जीन रहेगा तो दो अलाइज प्रोड्यूस होंगे, और दो अलाइज का अगर क्रॉस करते हैं तो ये कम्प्लीटली डोमिनेंट होगा, और अगर कोई फैक्टर डिफरेंट ट्रैट प्रोड्यूस करता है तो उसमें से कोई भी एक कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली शो हो जाएगा। तो ये है मेंडल्स लॉ का डेविएशन, जिसमें वो इस तरह के पॉइंट एक्सप्रेस किए हैं। तो उसके बाद मेंडल ने कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए और उसने ऑब्जर्व क्या कर किया कि फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स जो होते हैं वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं अदर जीन के कॉन्टैक्ट में आने के बाद, और उसी को उसने बोला है जेनेटिक इंटरेक्शन और जीन इंटरेक्शन। तो उसी को उसने नाम दिया है जीन इंटरेक्शन। तो हम देखते हैं अभी वो है जीन इंटरैक्शन। मतलब अगर कोई भी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन अगर किसी जीन का प्रोड्यूस होता है तो अगर अदर जीन के कांटेक्ट में आने के बाद वो जीन अपने आप को एक तो मॉडिफाई करता है या इन्फ्लुएंस करता है, उसी को नाम दिया है मेंडल्स ने जीन इंटरैक्शन। और इसमें है इंटराजेनिक इंटरैक्शन, और सेकंड है इंटरजेनिक इंटरैक्शन। अब नाम के साथ ही एक्सप्रेस हो रहा है इंटराजेनिक, मतलब अगर सेम कैरेक्टर सेम जीन स्पेसिस के जीन है तो उनमें जो इंटरैक्शन प्रोड्यूस होगा तो कोई एक जीन एक कैरेक्टर शो करेगा, डोमिनेट करेगा तो दूसरा कैरेक्टर रिसेसिव करेगा। और इंटरजेनिक इंटरैक्शन में अलग अलग जीन है, अलग वेराइटी डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स है जिनका इंट्रैक्शन हो रहा है तो उसमें से भी इंडिपेंडेंटली कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो जाए। इंटराजेनिक इंटरैक्शन में ये कब होता है, ऑकर्स बिटवीन अलेलीज ऑफ सेम जीन्स, ये होगा अलेलीज ऑफ सेम जीन्स में ये हो सकता है इंटराजेनिक इंटरैक्शन। और अगर जब इंटराजेनिक इंटरैक्शन होता है सेम जीन्स का जब क्रॉस होता है तो उसके इंटरैक्शन से मिलेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या फिर कोडोमिनेंस। जो भी कैरेक्टर शो होंगे वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो सकते हैं या फिर कोडोमिनेंस हो सकते हैं। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब ना एक कम्प्लीटली डोमिनेंट है ना ही कम्प्लीटली रिसेसिव। अगर एग्जांपल के तौर पे रेड और वाइट क्रॉस किया जाता है, रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर इन दोनों का क्रॉस किया जाता है तो गमिट्स में एक कैरेक्टर रेड कलर का है और दूसरा कैरेक्टर वाइट कलर का है, दो गमिट का जब क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन जो भी मिलेगी वो पिंक कलर की होंगी, पिंक कलर की होंगी। इसका मतलब वो
इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, इसका मतलब वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, तो ये हो गया इंटराजेनिक इंटरैक्शन। अब इंटराजेनिक इंटरैक्शन में हमने दो वर्ड देखे, पहला वर्ड जो हमने देखे वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा वर्ड देखे को डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इस प्रोसेस में कोई भी अगर दो कैरेक्टर लेते तो दोनों कैरेक्टर अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो एक भी कैरेक्टर कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं होगा और ना ही एक कम्प्लीटली रेसिस होगा, और दोनों का मिक्स होगा। जैसे रेड कलर का फ्लावर लिए व्हाइट कलर का फ्लावर, इस दोनों का अगर क्रॉस करते हैं तो इनकम्प्लीट डोमिनेट में पिंक कलर प्रोड्यूस होगा, ना कम्प्लीटली रेड ना कम्प्लीटली व्हाइट, पिंक कलर प्रोड्यूस होगा। सेकंड पॉइंट है वो है को डोमिनेंस। को डोमिनेंस में अगर एग्जांपल के तौर पे हम दो काऊ लेते हैं, एक काऊ रेड कलर की है और दूसरी काऊ व्हाइट कलर की है, तो जब इनका क्रॉस होता है और क्रॉस होने के बाद दोनों कैरेक्टर जब अपने आप को को डोमिनेंस के तौर पे एक्सप्लेन करते हैं कि वो भी कलर और ये भी कलर, तो उसमें इस तरह से मिलेगा कि दो कलर मिक्स होके एक नया कलर प्रोड्यूस होगा, रेड एंड व्हाइट मिक्स होके, उसको बोला रोएम, उसको बोला है रोएम। ये रोएम मिलेगा जिसमें रेड कलर भी होगा काऊ के स्किन के ऊपर, हेयर के ऊपर, और वाइट कलर भी होगा, दोनों कलर उसमें आ जाएंगे। तो ये हो गया को डोमिनेंस का एग्जांपल। इनकम्प्लीट डोमिनेंट ना रेड ना वाइट मिक्स हो गया, लेकिन को डोमिनेंस में रेड भी आ रहा है वाइट भी आ रहा है, दोनों कलर उसमें हेयर में शो कर रहे काऊ के क्रॉस के वक्त, और उस जो कलर प्रोड्यूस है उसको बोला है रोम। तो इस तरह से क्रॉस होगा और इस क्रॉस में हमें जो भी मिलेगा वह 1:2:1 का रेशो मिलेगा। वन कलर कम्प्लीटली रेड, वन पॉइंट शो करेगा कम्प्लीटली रेड, टू वाला शो करेगा मिक्स रेड एंड वाइट का, वो होगा रोम, और वन वाला कम्प्लीटली वाइट, इस तरह से ये कैरेक्टर शो होगा, उसी को बोला है को डोमिनेंस इंटरैक्शन। मतलब कोई भी कैरेक्टर एक तो कम्प्लीटली डोमिनेंट होना चाहिए या फिर कम्प्लीटली रेसेस होना चाहिए, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेड भी नहीं आ रहा वाइट भी नहीं आ रहा और उनका मिक्स होकर पिंक आ रहा, ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और को डोमिनेंस में रेड भी आ रहा है, रेड और वाइट का मिक्स भी आ रहा है और वाइट भी आ रहा है, तो सभी कैरेक्टर ना कम्प्लीटली डोमिनेंट हो रहे ना कम्प्लीटली रेसिस हो रहे, दोनों मिलके एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन दोनों कलर शो कर रहे रेड और वाइट का मिक्स, और उसी को नाम दे रोम। तो इस तरह से इंटराजेनिक इंटरैक्शन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोऑर्डिनेट ऑफ को डोमिनेंस जैसे कैरेक्टर शो हो जाएंगे। अब इसी में भी तीसरा पॉइंट है वो है मल्टीपल अलील। अब इसी में ही तीसरा पॉइंट है वो है मल्टीपल अलेलीज, मल्टीपल अलेलीज। ये मल्टीपल अलेलीज मतलब इंट्राजेनिक इंटरैक्शन का ही है। अगर सेम स्पेसीज है, सेम स्पेसीज का जिनका क्रॉस होता है, जिनका क्रॉस होने के बाद इसमें जो भी जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो अपने आप में मल्टीपल चेंजेस प्रोड्यूस कर सकती है। मल्टीपल चेंजेस की वजह से वो जीन में इस तरह का म्यूटेशन करेंगे कि ये म्यूटेशन जीन में होते होते हर अलग अलग जनरेशन में उस तरह के चेंजेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में अलग अलग म्यूटेशन प्रोड्यूस होता है जीन में, और जीन में म्यूटेशन की वजह से जो भी स्पेसीज प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग कैरेक्टर प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें किसी में विंग्स होते हैं, किसी में शॉर्ट विंग होते हैं, किसी में वाइल्ड विंग्स होते हैं, तो इस तरह के वाइल्ड एलेलीज प्रोड्यूस हो जाते हैं चेंजेबल म्यूटेशन की वजह से और अलग अलग कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ह्यूमन ब्लड ग्रुप भी हम ले सकते हैं, जिसमें ये मल्टीपल एलेलीज का एक एग्जाम्पल हमारे पास है वो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, जिसमें ए बी ओ तरह के अलग अलग ब्लड ग्रुप फॉर्म हो जाते हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स में। तो ये है मल्टीपल एलेलीज, जब इसी तरह के क्रॉस होते हैं तो जीन में म्यूटेशन प्रोड्यूस होता है, जीन में म्यूटेशन की वजह से सेम स्पेसीज में भी अलग अलग तरह के एलेलीज प्रोड्यूस हो जाते हैं, और म्यूटेशन की वजह से वो वाइल्ड एलेलीज या फिर सिंपल नॉर्मल एलेलीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही एग्जाम्पल है मल्टीपल एलेलीज का। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारा वो है इंटरजेनिक इंटरैक्शन। अब इंटरजेनिक इंटरैक्शन में डिफरेंट एलेलीज का जब क्रॉस होता है तो वो क्रॉस होने के बाद जो भी प्रोजेनी या जो भी मिलता है उसमें कई तरह के चेंजेस हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल है प्लियोट्रोफी, उसका एग्जांपल है एग्जांपल प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी में जब डिफरेंट
स्पेसीज और डिफरेंट एलील्स का क्रॉस होता है तो उस क्रॉस को बोला है इंटरजेनिक इंटरेक्शन, जिसकी वजह से कई तरह के ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं जो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हीमोग्लोबिन कंटेनिंग डिसीज कंडीशन या डिसऑर्डर, या जैसे सिकल सेल एनीमिया। अब अगर सिकल सेल एनीमिया कैरी करने वाला किसी डॉटर के साथ दूसरे सिकल सेल कैरियर के साथ क्रॉस किया जाता है, अगर एक सिकल सेल कैरियर है, अगर वन इज द सिकल सेल कैरियर है जिसका क्रॉस करेंगे सेकंड सिकल सेल कैरियर के साथ इसमें, तो अगर ये वन है और ये सेकंड है तो इसमें जो भी प्रोड्यूस होंगे चार तरह के, उसमें से एक नॉर्मल होगा, एक दो सिकल सेल कैरियर होंगे और तीसरा पर्सन होगा वो सिकल सेल डिसीज से ग्रस्त होगा। तो इस तरह से हमें अलग अलग कैरेक्टर्स वाले शो हो जाएंगे जो अपने आप कैरेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। दो सिकल सेल कैरियर का क्रॉस करने के बाद एक नॉर्मल मिलेगा, दो सिकल सेल कैरियर मिलेंगे और एक सिकल सेल डिसीज कंटेनिंग पेशेंट मिलेंगे। तो उसमें ऐसा हो जाता है कि अगर क्रॉस करते वक्त जो कैरेक्टर डोमिनेंट हो रहा है वही कैरेक्टर यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। अब तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि यहाँ पे फोर कैरियर कंसीडर किए हुए हैं, दो अलग अलग सिकल सेल कैरियर से लिए हुए कैरेक्टर, जिसमें एक नॉर्मल है, एक कैरियर है, एक नॉर्मल है, एक कैरियर है। जब इनका क्रॉस होगा तो क्रॉस में जो मिलेगा वो होगा HB नॉर्मल। तो ये नॉर्मल हो गया, जो मैंने यहाँ पे अभी आपको शो किया वो नॉर्मल हो गया। अब सेकंड जब क्रॉस हो रहा है तो सेकंड क्रॉस में एक ये मिलेगा जिसमें कैरियर है, ये भी कैरियर कैरेक्टर है और ये भी कैरियर कैरेक्टर हुआ, तो ये दोनों मिलके क्या होंगे, सिकल सेल एनीमिया पेशेंट हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें एक नॉर्मल कैरेक्टर है और दूसरा कैरियर कैरेक्टर है, लेकिन इसमें डोमिनेंट नॉर्मल कैरेक्टर है और रिसेसिव कैरियर कैरेक्टर, इसकी वजह से ये कैरियर ही हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट में इसमें भी डोमिनेंट कैरेक्टर कैरियर है और रिसेसिव कैरेक्टर नॉर्मल है, तो इसकी वजह से भी ये कैरियर हो जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ये सिकल सेल कैरियर हो जाएंगे। तो दो सिकल सेल कैरियर, वन एनीमिया पेशेंट और वन नॉर्मल, तो ये रेशो हो जाता है 1:2, 2:1 का, इस तरह का रेशो बन जाएगा। तो यही शो करता है कि जो भी पेशेंट सिकल सेल एनीमिया कैरियर करता है उनको बीच में जब क्रॉस करते तो रेशो मिलता है 1:2:1 का, जिसमें एक नॉर्मल होगा, दो कैरियर होंगे और एक सिकल सेल का पेशेंट मिलेगा, सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट मिलेगा। तो यही है फिलोट्रॉपी या फिर इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, जिसमें इस तरह के दो अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग जीन के कंबाइन करते इंट्रैक्शन करते, तो इस तरह के एक डोमिनेंट होगा तो रिसेसिव होगा, तो एक रिसेसिव होगा। और जब डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो करते हैं तो एक कैरेक्टर पूरी तरह से डोमिनेंट होता है तो वो नॉर्मल शो करेगा, तो दूसरा कैरेक्टर जहाँ पे डोमिनेंट होगा तो इस तरह से सिकल सेल कैरियर प्रोड्यूस होगा, तो उसके बाद सिकल सेल एनीमिया प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है नॉर्मल, यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है कैरियर, और यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है नॉर्मल, यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है कैरियर। लेकिन इसमें दोनों कैरियर होने की वजह से कम्प्लीटली सिकल सेल एनीमिया है, यहाँ पे नॉर्मल होने की वजह से और कैरियर का होने की वजह से, नॉर्मल की कैरियर वजह से हमें एक सिकल सेल कैरियर पेशेंट मिलता है, या दो मिलते जिसमें दो सिकल सेल कैरियर पेशेंट मिलेंगे। तो इस तरह से प्लियोट्रॉपी एक्सप्लेन किया है मेंडेल ने। बच्चों कि ये आपको समझ में आ गया होगा, तो हम कंटिन्यू करेंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए।